श्री नवग्रह आश्रम में होता है असाध्य बीमारी कैंसर का इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24 और मैं हूं दीपक कुमार। श्री नवग्रह आश्रम राजस्थान के मोतीबोर खेरा भीलवाड़ा जिले में स्थित है, जो आयुर्वेद के माध्यम से प्राकृतिक तरीके से अलग अलग लाइलाज बीमारी का इलाज करते हैं। आश्रम में कैंसर, डायबिटीज, किडनी रोग, गठिया, लीवर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा और गैस्ट्रिक जैसी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। आश्रम के अंदर पंचकर्म, अभ्यंग, शिरोधारा, नस्य और बस्ती जैसे विभिन्न आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है। आपको बताते चले कि आश्रम की स्थापना 2013 में वैद्य हंसराज चौधरी ने की थी। आश्रम में 487 प्रकार के फल देने वाले औषधीय पौधे हैं। आश्रम में 20 से अधिक दुर्लभ पौधे हैं, जिनकी प्रजातियां दुनिया में विलुप्त होने के कगार पर है। आश्रम में औषधीय जड़ी बूटियां उगाई जाती है, जिनका उपयोग वे रोगियों के आयुर्वेदिक दवाएं बनाने में करते हैं। नवग्रह आश्रम द्वारा प्रदान किए गए आयुर्वेदिक उपचार की नैदानिक प्रभावकर्ता की सीमित प्रमाण है। आश्रम का कहना है कि भारत के प्राचीन सर्जन कैंसर के बारे में जानते थे और इसे सृजन और गैर भड़काऊ सूजन के रूप में वर्णित करते थे और इसे ग्रंथि या अर्बुदा के रूप में दर्ज करते थे। वे कैंसर के इलाज के लिए ऐतिहासिक आयुर्वेदिक नुस्खों का इस्तेमाल करते थे, जबकि आयुर्वेद कैंसर के इलाज के दुष्प्रभाव और लक्षण को कम करने के लिए जाना जाता है। कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेद के लाभों पर सीमित सबूत है, इसलिए हम इसके नैदानिक प्रभावकारिता बढ़ाने और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आयुर्वेद की अन्य उपचार पद्धतियों के साथ जोड़ने की सलाह देते हैं। यदि आयुर्वेद मौजूद है तो हम पारंपरिक चिकित्सा उपचार के पूर्ण प्रतिस्थापन के रूप में आयुर्वेद का उपयोग करने की अनुशंसा करते हैं। आश्रम का मुख्य लक्ष्य विश्व कैंसर मुक्त बनाना है। आश्रम ने अब तक 1,00,000 से अधिक कैंसर रोगियों का सफल आयुर्वेदिक उपचार प्रदान किया है, जिससे 3,00,000 से अधिक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। आश्रम में 5,000 साल पुरानी भारत की वैदिक संस्कृति, आयुर्वेद, प्रकृति उपचार प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसका उद्देश्य और लक्ष्य प्रकृति की मदद से असाध्य रोगों का सफलतापूर्वक इलाज करना और एक स्वस्थ समाज बनाना। यह लेख जनहित में जारी किया गया है। बी न्यूज 24 इस उपचार पद्धति का ना ही समर्थन करता है और ना ही विरोध। यह एक सामान्य जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया जा रहा है। आप सभी का धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।